पीएम मोदी आज बेंगलुरु टेक समिट 2020 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का मुख्य विषय है नेक्स्ट इज नाउ, नवोन्मेषी तकनीकों के प्रभाव पर मुख्य रूप से होगी चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों के साथ आज करेंगे बैठक, आगामी चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति। गुजरात उपचुनाव में जीत से गदगद बीजेपी, आज नए निर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर दर्ज की है जीत। ब्याज पर ब्याज छूट मामले को लेकर सुनवाई आज। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं थे उपस्थित। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश 6 जिलों का करेंगी दौरा, कार्यकर्ताओं से मिलकर देंगी जीत का मंत्र। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे पर ईडी की नजर, आज ईडी के सामने होगी रणिंदर सिंह की पेशी। विदेश में बैंक खातों और ब्रिटिश आइसलैंड में ट्रस्ट बनाने के मामलों को लेकर होगी पूछताछ। हरियाणा विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बढ़ी बीजेपी की मुश्किल, अपनी जमीन को मजबूत बनाने में जुटी पार्टी। करनाल में बनेगा बीजेपी का भव्य कार्यालय, सीएम खट्टर करेंगे निर्माण का शुभारंभ। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के तहत ताजमहल में आज मिलेगा निशुल्क प्रवेश। संस्कृति मंत्रालय ने सभी स्मारकों में निशुल्क प्रवेश की घोषणा की। महामारी को देखते हुए सीमित रहेगी पर्यटकों की संख्या। आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, शाम 3:35 पर विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे मंदिर के पट। अंतिम दिन होगी पंच पूजाएं। और महामारी के राहत पैकेज को लेकर बुलाई गई यूरोपीय संघ की बैठक, ईयू के सरकार प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। 1.82 खरब यूरो के पैकेज पर होगा अहम फैसला।